नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। एक ओर जहां सूबे के मुखिया प्रदेश में अवैध खनन के सख्त खिलाफ हैं, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड हमीरपुर जनपद में प्रशासन की देखरेख में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है, जहां रात दिन अवैध ट्रैक्टर बालू भरकर अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध की और बालू से भरे ट्रकों को गांव में खड़ा कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें अधिकारी और पुलिस से कई बार अवैध खनन की शिकायतें की, लेकिन जब उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ट्रैक्टर धड़ल्ले से चलते रहे, जिसकी वजह से अधिकारियों की मिलीभगत का होना बताया, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने बालू से भरे अवैध ट्रैक्टरों को गांव में खड़ा कर दिया और सड़क को जाम कर दिया। इस बीच पुलिस और एसडीएम ने गांव पहुंचकर ट्रैक्टरों को ले जाने की बात कही, जिस पर पहले तो ग्रामीण तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही तो ग्रामीण तैयार हो गए और एसडीएम का ड्राइवर ट्रैक्टर पर बैठा और ट्रैक्टर की बालू से भरी ट्राली को पलट, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए और एसडीएम के ड्राइवर की धुनाई कर डाली। जिस बीच ग्रामीणों ने पुलिस से भी हाथापाई की और बड़ी मुश्किल से हालात सामान्य हो पाए। जब एसडीएम से बात की गई तो गोलमोल जवाब दिया गया और बताया गया कि ग्रामीणों ने 4 ट्रैक्टर पकड़े हैं, जबकि ग्रामीणों ने 8 ट्रैक्टर पकड़े थे, जो वीडियो में है। एसडीएम ने पकड़ने वाले बावजूद भी 3 ट्रैक्टर छोड़ दिए, जो गंभीर विषय है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की कोतवाली राठ के नौहाई गांव का है, जहां की बिरामा नदी से कई महीने से ट्रैक्टरों के द्वारा रात दिन बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जबकि वहां पर ना ही कोई खदान है ना ही कोई पट्टा। ग्रामीणों के अनुसार अधिकारियों और पुलिस की देखरेख में सारा गोरखधंधा चल रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उनके अनुसार अधिकारियों और पुलिस को 50,000 रुपए एक ट्रैक्टर से प्रति माह दिए जाते हैं। ट्रैक्टरों की वजह से उनके गांव की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों का निकलना दूभर हो चुका है। जुलाई का महीना आ गया है, स्कूल खुल गए हैं, जिससे बच्चों को भी खतरा है, जिसको लेकर आज देर रात ग्रामीणों और ट्रैक्टर वालों ने कहासुनी हो गई और ग्रामीणों ने प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते ट्रैक्टर को गांव में खड़ा कर लिया और सड़क को जाम कर दिया। गांव वालों ने 5 बालू से भरे 2 खाली, 1 बालू से भरी ट्राली को पकड़ा, कुल मिलाकर 8 ट्रैक्टरों को पकड़ा और उच्च अधिकारी की मौके पर पहुंचने की मांग करने लगे, जिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उनको समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माने। जाम लगाने के लगभग 6 घंटे बाद एसडीएम राठ सुरेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर ग्रामीण राजी हो गए और जैसे ही एसडीएम का ड्राइवर बालू से भरे ट्रैक्टर पर बैठा तो बालू की ट्रॉली को पलटकर खाली करने का प्रयास करने लगा, जो मीडिया के कैमरे में भी कैद हो गया। इस दौरान ग्रामीण फिर से उग्र हो गए और एसडीएम के ड्राइवर को ट्रैक्टर से उतारकर उसकी जबरदस्त धुनाई कर डाली, जिस दौरान पुलिस और ग्रामीणों से भी हाथापाई हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल ने काफी मशक्कत के बाद किसी प्रकार ग्रामीणों को समझा बुझाकर कार्रवाई करने की बात कहकर ट्रैक्टर को देर रात गांव से निकलवाया। I'm going to go to the hospital.
রাজ্যে কাজুয়ার সঙ্গে क्या घटना हो गई अभी सर? ये घटना ऐसी हुई है कि जो SDM है उन्होंने कहा था कि इस ट्रैक्टर को ले जाने के बाद हम थाने में इसकी कार्रवाई करेंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो वो SDM के सामने वो जराई वाले उनका बालू खाली करने लगा ट्रैक्टर पे बैठ के। हाँ, ट्रैक्टर में बैठ के, तो उसको मना किया। नाम है आपका? राहुल सिंह। किस गांव के रहने वाले? नोहाई। अच्छा, आज यहाँ पे अवैध बालू के ट्रैक्टर रोके हुए हैं आप लोगों ने, ग्रामीणों ने, किस वजह से रोके हैं? सर, यहाँ मतलब दो स्कूल हैं, कन्या प्राथमिक, वो प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल और पंचायत घर। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जुलाई लग गया है, परसों से स्कूल खुलने हैं। बच्चे यहाँ से जाते हैं भीग के, कोई गिर जाता है गड्ढे में और सारी दिक्कतें हो रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और ट्रैक्टर वाले बहुत तेज चलाते हैं, लगता है कि कोई बच्चा मर न जाए, इसलिए सबको रोक के चलते हैं। और ये बालू है सर, रात दिन चलाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, गांव वाले सब लोग। आपने शिकायत नहीं की अधिकारियों से? सर, शिकायत तो ऐसा है कि सबको मालूम है, शिकायत भी की है SDM साहब को थाने में। जब दिन रात चलते हैं तो कहीं देखते नहीं है का? अभी स्वच्छ भारत मिशन का जो चल रहा था, शौचालय बन रहे, तो जो गाड़ी चल रहे थे बैलगाड़ी, उनके तसले बालू जला दिए, किसी का कुछ तोड़ दिया, उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन इन ट्रैक्टर वालों को कोई नहीं रोक रहा, न कोई कुछ कर रहा है, न उन्हें दिखाई दे रहा कुछ। तो क्या आपके यहाँ कोई घाट पास है या ये अवैध है? जी, अवैध यहाँ घाट नहीं है, अवैध है। एक नदी है रोरो और बरौली के बीच में, वहाँ से आती है। रात दिन ट्रैक्टर चल रहा है? रात दिन ट्रैक्टर चल रहा है सर। अभी यहाँ बहुत ढेर सारे ट्रैक्टर रखे हुए भी हैं, और जे है यहाँ जे भरी है मुरम। वहीं जब मौके पर मौजूद तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने गांव में कोई भी वैध खनान या पट्टा न होने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वो अभी राट में नए आए हैं। और जब SDM से बात की गई तो उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, चार ट्रैक्टरों के पकड़े जाने की बात कही, जबकि ग्रामीणों के अनुसार 8 ट्रैक्टर पकड़े गए थे जो कैमरे में भी कैद थे। SDM इस बयान से अवैध खनन से इनकी सम्मिलितता साफ नजर आती है। सर, नोहाई गांव में बड़ी मात्रा में सर अवैध खनन चल रहा है, आज गांव वालों ने 8-10 ट्रैक्टर पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? पहली बात तो नोहाई गांव में खनन से संबंधित कोई पॉइंट है नहीं, कहीं और जगह से आ रहे थे, और गांव वालों ने जो पकड़े हैं वो 4 ट्रैक्टर बालू से भरे पकड़े हैं, एक पंचर हुआ खड़ा है, 3 जा रहा है, एक में खाली ट्राली है, ट्रैक्टर नहीं है। हम थाने लेकर के जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई होगी, तैयार होगी, सही होगा। सर, ग्रामीणों ने लगभग 5 बजे से यहाँ ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं और उनका कहना है कि रात दिन यहाँ पर सर बालू के ट्रैक्टर चल रहे हैं, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर, क्या? ऐसा नहीं है, ग्रामीणों ने हमें लगभग 10-11 के आसपास बताया है, जैसे ही बताया है तहसीलदार साहब आए हैं यहाँ, एक इंस्पेक्टर साहब, एक दरोगा जी आए हैं, और ग्रामीण ही थाने नहीं ले जाने दे रहे थे कार्यवाही के लिए, उन ग्रामीणों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जो ट्रैक्टर को नहीं ले जाने दे रहे। ग्रामीणों से यहाँ पे कुछ हाथापाई भी हुई है क्या अधिकारियों की? पुलिस वाले पता करते हैं, अभी हमें आप ही लोगों से मालूम हुआ है, ये पता करते हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अवैध खनन पे लगाम लगेगी सर? बिल्कुल लगेगी, लगी भी है। अब चोरी छुपे लोग ले जा रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसे ही कार्यवाहियाँ होंगी। सर, गांव वालों का कहना है कि खुलेआम कई महीनों से अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन को बराबर सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रशासन सूचना दिया है, कार्यवाही हुई है, जब भी जिसने सूचना दिया है कार्यवाही। गाँव वालों ने सीधा आरोप प्रशासन पे संरक्षण का लगाया है। नहीं, गलत हुआ वही जिसका ग्रामीणों को डर था, ढोल के नीचे पुल।
उनको खतरा था कि जैसे ही ट्रैक्टर गांव से बाहर जाएंगे उनको बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया जाएगा। और जब एसडीएम साहब के ड्राइवर गांव में ही बालू से भरी ट्रॉली को खाली करने का प्रयास करेगा तो खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रॉली को खाली करने के पीछे आकर एसडीएम के ड्राइवर का मकसद क्या था, जिससे माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया और कोई भी बड़ा हादसा उस वक्त हो सकता था। वहीं जब मीडिया ने ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में एसडीएम से पूछा तो वे 8 की जगह 5 ट्रैक्टर बताने लगे, अर्थात 3 ट्रैक्टर एसडीएम साहब ने रघु चक्कर कर दिए। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी अधिकारी इस प्रकार सरेआम नियमों की धज्जियां कैसे उड़ा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला जुमला यहाँ प्रभावी रूप से नजर आता है। जो ऐसे इधर खतरा हो गया, मिट्टी हो गई, तो बोले कि छोटा से बच्चा है, कि हम सोचे छोटा सा बच्चा होगा, होएगा गाँव नारी कि हम जब इधर देखने हैं कि हम देखे कि जी मशीन का चढ़ा पहिया है, अभी जो उसमें बना है जैसे चढ़ा के चैन गाई है, कि हम इधर देखा कि बड़ा देखा को थोड़ा खोला मुँह इसका चेहरा से खून बिलट आ रहा था, से हम बोले कि एक कन्हैया जब आके पुलिस आ जाए, पुलिस का सूचना दिया, पुलिस जो है कि नहीं आई, फिर काफ़ी देर में पुलिस आई है, और जहाँ पुलिस आई है कि जी बोले कि दरोगा से बोले कि अभी मट्टी नहीं ले जाना, जब रामपुर के आ जाए तब मट्टी ले जाना, से बोले कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, और जहाँ उसका एक भाई आया है, भाई गया पांजर बोलो कि देखो मेरा भाई जैसे हम बोले कि अभी हम उठा के रख दे हम अभी मिट्टी नहीं जाएगी, अब बस उधर से जी आके मट्टी उठाया सब पाँचों छह पुलिस वाले पकड़ा टांग के जबरदस्ती जो है कि लाद लिया गाड़ी में, अब गाड़ी में लाद के चल रहे के चिल्लाने के अभी गाड़ी अभी मट्टी नहीं ले जाओ, अभी न ले जाओ, अभी जो है कि आ जाने दो, सी जी ने गाड़ी बढ़ा दिया कि गाँव के लोग 4-5 जने आगे से खड़ी हुई गई पड़ रही गाड़ी के पांजर, तब जो है कि मानने और जो है कि गाड़ी औरतन के बीच में गाड़ी चढ़ाए देते, अब फिर जो है जैलक गाँव वाले टूट पर आके फिर वो रामपुर के आ गए, तब जो है कि मट्टी उसे उतार के धरा है, अब जो है कि नहीं इधर देखो ना एक बैरियल में को जब हमारे तो ना इधर एक मुनीम मिला, इधर कोई नहीं मिला, खदान वाला को कोई मिला, सब भाग लिया। किस खदान का मामला है जे सेंटर खदान का मामला है।